वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे SST इंस्टीट्यूट के बारे में। कुछ कई लोगों के कुछ क्वेश्चंस आए थे कि SST इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताइए, ये कैसे हुआ, क्या हुआ। डियर स्टूडेंट्स, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, SST इंस्टीट्यूट आज के समय में 1997 से यह इंस्टीट्यूशन टेक्निकल फील्ड में वर्क कर रहा है, और भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में यहाँ के ट्रेन किए गए स्टूडेंट्स बखूबी नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और अपने फ्यूचर को, अपने जीवन को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। SST इंस्टीट्यूट खोलने का, ओपन करने का जो मकसद था जूरी मेंबर्स का, या जो इसके जो मैनेजमेंट बॉडी का, उनका एक मकसद था कि अधिक से अधिक हम टेक्निकल हैंड को हम पैदा कर पाए, टेक्निकल हैंड को कर पाए, ताकि जो है हमारी कंट्री ग्रो करे, और साथ में हमारे लोग भी, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बनी हुई थी, तमाम तरह की परेशानियां हो रही थी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ वैसे वैसे इसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी सामने नज़र आने लगी, और देखते ही देखते SST इंस्टीट्यूट इस समय पूरी दुनिया में एक तरह से फेमस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इसका नाम बेशुमार किया गया। ऑनलाइन कोर्सेज की बात करें तो SST इंस्टीट्यूट हमेशा से ऑनलाइन कोर्सेज को प्रायोरिटी भी देता रहा। ऑफलाइन कोर्स तो चलते ही चलते हैं, लेकिन आज कई देशों से लोग, यानी हम कह सकते हैं दुनिया भर के लोगों, देश से लोग ट्रेनिंग करते हैं, और कोर्स करने के बाद से एक अच्छी जॉब पाते हैं। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन कोर्स जो है, कोर्स इन SST इंस्टीट्यूट, जो SST इंस्टीट्यूट में कोर्स हैं वो कितने तरह के कोर्सेज हैं, और ये ऑनलाइन मोड में कैसे, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में कैसे कैसे कोर्सेज होते हैं। एक नज़र आप देखेंगे मॉनिटर स्क्रीन पे तो आपको दिखाई देगा, सबसे पहले कोर्स की शुरुआत होती है ऑटोकैड। ऑटोकैड एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जो हर एक फील्ड में, चाहे हम सिविल की बात करें, मैकेनिकल की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, या कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो फिर ऑटोकैड अछूता नहीं रहता है। ऑटोकैड एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जो हमें 3 मोड में एक व्यूज, एक रिजल्ट कैसा आएगा, ये बताने का काम करता है। सो इसी वजह से ऑटोकैड बहुत ही फेमस है, काफ़ी मशहूर है। यह एक प्रोफेशनल कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद से मतलब काफ़ी संभावनाएं बनती हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगती हैं, यानी एक तरह से कहा जाए कि बेरोजगारी दूर करने के लिए ऑटोकैड रामबाण साबित होता है। दूसरे कोर्स की मैं बात करूं तो हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स, यह कोर्स भी जो सेफ्टी फील्ड से रिलेटेड है, जिसमें HSC ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर वगैरह जो भी होते हैं, वह इस कोर्स को करने के बाद से उन पोस्ट पे जाते हैं। फायर सेफ्टी मैनेजमेंट जो फायर से रिलेटेड है, वेब डेवलपमेंट, जितना भी आप देखते हैं वेब टेक्नोलॉजी देख रहे हैं इस समय, ऑनलाइन की टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, ये जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं आप, चाहे वो बैंक का हो, चाहे ATM का हो, ये सब कहीं ना कहीं वेब डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ है। इन सब की, ये पूरा IT सेक्टर का कोर्स होता है, ये कोर्स भी SST आपको प्रोवाइड करती है प्रोफेशनल कोर्स के रूप में। इसके अलावा जो है SST आपको प्रोवाइड करती है लैंग्वेज ट्रेनिंग, आपको लैंग्वेज में आपको कई भाषाओं की जानकारी सीखने को मिलती है, कई भाषाओं को सीखने का मौका मिलता है SST में, और सबसे ज़्यादा जो भाषा जो फेमस है वह इंग्लिश है, UK बेस्ड इंग्लिश और प्रोफेशनल इंग्लिश, जो हमें काफ़ी इम्प्रूव करने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं जो लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, लैंग्वेज की ट्रेनिंग लर्निंग की ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है जो वह पूरी दुनिया से कनेक्ट होना चाहते हैं, ग्लोबल से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो वह उनके लिए इंग्लिश की ज़रूरी हो जाती है, इन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ता है। इलेक्ट्रिकल कोर्स, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन, चार्ज हैंड आप देखते हैं, वह कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल कोर्सेज को करने के बाद ही जाते हैं, यह भी एक प्रोफेशनल कोर्स है। 3D एनिमेशन, जितने भी आप कार्टून मूवीज़, कार्टून फिल्में देखते हैं, इसका भी एक पढ़ाई होता है, स्टडी होता है, जो 3D एनिमेशन के नाम से यह एक डिपार्टमेंट है जो जाना जाता है। कार्टून मूवी मेकिंग, कार्टून बनाना, आज जो कार्टून का दौर था और जिस हिसाब से चल रहा है, तो धीरे धीरे इसमें भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, संभावनाएँ बढ़ी, लिहाजा यह कोर्स भी धीरे धीरे फेमस होता गया। तो SST इंस्टीट्यूट में इतने तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, ये कोर्स करके आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में इस कोर्स को कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं कोर्स ट्रेनिंग का मोड और माध्यम क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये SST इंस्टीट्यूट में जो भी कोर्सेज हैं वह ऑनलाइन मोड में भी हैं, ऑफलाइन मोड में भी हैं, और जो आपके माध्यम होते हैं पढ़ाई के और ट्रेनिंग के, जो माध्यम मिलेंगे वो आपको मिल जाता है, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश मिल जाता है।
हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जो दूर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें हॉस्टल की सुविधा मिल जाती है, जो रह करके यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। कोर्स में अप्लाई कैसे करें? कोर्स में अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, दिए गए वेबसाइट से और भी जानकारियाँ ले सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं। तो ये तरीका है, आप कर सकते हैं। पेमेंट के लिए भी तमाम तरह के ऑप्शन आपके पास हैं, वीजा है, मास्टर कार्ड है, पेटीएम है, UPI है, बैंक से हैं, ऑनलाइन बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, नेट बैंकिंग, ये तमाम तरह के ऑप्शंस हैं जिनके द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि समय की भी बचत होती है और पैसे की भी बचत होती है। तो SST इंस्टीट्यूट जो कोर्स प्रोवाइड करता है उसमें फीस कम होने के साथ साथ आपकी टाइमिंग और कोर्स की क्वालिटी, स्टडी ऑफ क्वालिटी भी बहुत ही बेहतरीन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।